साल 2018 फिल्मी जगत के लिए बेहद बुरा साबित हुआ है। इस साल बॉलीवुड समेत टीवी जगत के कई महान कलाकारों ने इस दुनिया को अलविदा कहा है और ये सिलसिला अभी भी जारी है। इसी साल के फरवरी महीने में बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा और करोड़ों दिलों पर राज करने वाली श्रीदेवी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। श्रीदेवी के अचानक निधन से पूरी फिल्म इंडस्ट्री हिल गई थी। लोगों को इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस श्रीदेवी अब हमारे बीच नहीं रही। ये सिलसिला अभी जारी है और एक और मशहूर एक्टर का निधन हो गया है। फिल्मी जगत से आ रही है एक और बड़ी खबर। फिल्मी जगत में मौत का सिलसिला अभी जारी है। इसी बीच अभी अभी एक बड़ी खबर आ रही है जिसे जानने के बाद आपको भी झटका लग सकता है। इस खबर के आने के बाद फिल्मी जगत में शौकी लहर दौड़ पड़ी है। इस मशहूर कलाकार की कार दुर्घटना में मौत हो जाने से उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। जानकारी के लिए बता दें, कन्नड़ टीवी शो के प्रसिद्ध एंकर और एक्टर चंदन उर्फ चंद्रशेखर की अचानक एक्सीडेंट से मौत हो जाने से हर तरफ शौकी लहर दौड़ गई है। मशहूर एक्टर चंदन के साथ दो दोस्तों की भी हुई मौत। बता दें, चंदन कन्नड़ टीवी के मशहूर चेहरे थे, उनके साथ उनके दो दोस्तों की भी मौत हुई है। ये घटना दावणगेरे जिले के हंगवाड़ी में हुई है। बताया जा रहा है कि चंदन अपने चार दोस्तों के साथ कार से बेंगलुरु से हुबली जा रहे थे, जहां उनकी कार का एक्सीडेंट होने से चंदन समेत उनके दो दोस्तों की भी मौत हो गई। अभी तक इस बात की कोई जानकारी नहीं मिली है कि यह हादसा कैसे हुआ है। जानकारी मिली है कि चंदन के अन्य दो साथी बुरी तरह से घायल हैं और उनका एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। चंदन कन्नड़ के मशहूर कलाकार थे। उन्होंने कई टीवी कार्यक्रमों के साथ कई फिल्मों में काम भी किया है, जिसमें से पोर्की फिल्म उनकी शानदार फिल्मों में से एक है। इस फिल्म में उनकी एक्टिंग ने लोगों का दिल जीत लिया था। उनकी मौत से फिल्मी जगत में शौकी लहर दौड़ गई है।